सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जेएससी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो आज हुआ है। ठीक है, आज तारीख है 9 नवंबर। 9 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है जेएससी का, आज हम लोग उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो एज यूजुअल जीए हार्ड आ रही, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मतलब जो फ्रैंक है वो फ्रैंक है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं क्वेश्चन कुछ बता दूंगा अभी आपको, और शायद सुनने में आया कि कुछ 2019 से भी शायद एक आध दो क्वेश्चन पूछ दिए हैं करंट के। इलॉजिकल मतलब है इसका। ठीक है, बाकी अदर 3 सेक्शन इजी आ रहे हैं। मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव देखने को मिल रही है। इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ईजी है, बेसिकली इतना समझो, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत ईजी है। जो कल मैंने आपको, अगर लास्ट वाले भी वीडियो देखे होंगे, जो कल मैंने जैसे कि बच्चों के लिए कहा था कि वो कैसे करना है, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग में आपको नंबर खींचने, क्योंकि वो बहुत ईजी आ रही है। मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, अगर आप नंबर समझ से बचा लोगे तो उसको आराम से कर ले जाओगे बेसिकली। ठीक, जीके अनएक्सपेक्टेड है, तो जीके से लगभग सब खराब हो जा रहा है, तो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास सही करो। पंद्रह अगर 15 तक कहते सही ले जा रहे हो, 15 क्या, 15 से 20 तक, क्योंकि 30 क्वेश्चन, तो 15 से 20 तक अगर इतना तक आपका बन जा रहा है तो आप बिल्कुल रेस में हो। बाकी मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे कैसे। मैथ्स कैलकुलेटिव था, ठीक है, जीए का कोई वो नहीं था, मतलब कुछ सिर पैर नहीं, कहीं से भी दे दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी थी, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी आई थी, एकदम नॉर्मल आ रही थी। जो मैंने शीट दिया गया वो लगा लोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स के मोस्टली क्वेश्चन से मैथमेटिक्स से थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, जैसा कि उन्होंने बताया मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अभी सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, वेट 1 सेकेंड, मैथ्स के, हाँ देखो जैसे, और जीए का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे जीए में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे रैंक पूछी पूछी थी किसी की। ठीक है, मिस इंडिया 2019 की जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मिडिवल इंडिया का शायद, ठीक है, मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन था, और वेट वेट वेट, देखो और था मैथ्स बेसिक लेवल थी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ देखो ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, हिस्ट्री, और हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मिडिवल हिस्ट्री से था, शायद हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ देखने को मिले हैं 2-3। ठीक है, और पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आया था, करंट से ज़्यादा थे, 4-5 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ्स में 2 मेंसुरेशन के थे, अरिथमेटिक सारा भरा था, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और मैट्रिक के ज़्यादा, हाँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी है, टाइम एंड वर्क के भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप, मतलब अगर प्रैक्टिस होगी थोड़ा बहुत तो आराम से पकड़ ले जाओगे। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस, सर टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, और मिस इंडिया किस कंट्री से बिलोंग करती, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे, साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे, याद रखना, साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक, और इंग्लिश रीजनिंग बहुत ईजी थे, मैंने आपको बता दिया, और बस हाँ देख लीजिए, अब क्वेश्चन सुन लीजिए क्या क्या क्वेश्चन थे। सेफ अटेम्प्ट मैंने आपको बता दिया, अगर 85 के आसपास तक हो, 85-90 तक, तो बिल्कुल आपका सेफ अटेम्प्ट है। ठीक है, अब सुनो, बॉब विल्स कौन से नेशन के क्रिकेटर है ना, बॉब विल्स, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं का लिखा हुआ है, बॉब विल्स कौन से नेशन के क्रिकेटर है। ठीक है, और पीटर कोनाटी कौन से नेशन के फुटबॉलर है, बॉब विल्स, बॉब विलिस है बेसिकली। ठीक है, पीटर कोनाटी ये कौन से कंट्री के क्रिकेटर है, पीटर कोनेटी ये कहाँ किस कंट्री के फुटबॉलर है। ठीक है, राष्ट्रभूषण अवार्ड पूछा था, राष्ट्र भूषण अवार्ड दिख रहा है आपको, हाँ राष्ट्रभूषण अवार्ड। ठीक है, और हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा, हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा, ठीक है, कुछ प्राइस भी था, मैरिज रिलेटेड कुछ था प्राइस का, प्राइस प्राइस, ठीक है,
और जियोग्राफिक जोन, जियोग्राफिकल जोन से पूछा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत। मैंने पहले बताया था कि जैसे पेपर हार्ड आने वाला है, मतलब थोड़ा सा टफ आने वाला है। पीएम को कौन अपॉइंट करता है, ये भी क्वेश्चन था। पीएम को कौन अपॉइंट करता है, ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं थे, ये जान लो कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आए थे। जीके के दो क्वेश्चन, अच्छा ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन थे। ठीक है, और इंग्लिश का लेवल इजी था, इंग्लिश का लेवल इजी था। ठीक है, चलिए लड़के क्वेश्चन भेज रहे हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से कुछ नहीं आ रहा है, जीएस में 2019 से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन आ रहा था वो मैं देख रहा था, तो सब लड़के मैसेज कर रहे हैं उसी पे। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। मान के चलो कि आपको नंबर गेन करना है। हाँ, इंग्लिश वेरी इजी, फिर से मैसेज, इंग्लिश बहुत इजी आ रही है। ठीक है, इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी है, तो अब आराम से आप कर ले जाओगे। तो बाकी आपको मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है, मतलब नंबर गेन करना है, क्योंकि वो जीएस में आपका कवर हो जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से कर लोगे तो जीए में आपको मेंटेन हो जाएगा। तो टारगेट अपना रख लेना कि आपको कैसे करना है। 85+ का अगर अप्रोक्सीमेट सही 100% एक्यूरेसी टारगेट रखोगे, आराम से निकल जाएगा। 80-85 तक रखोगे, बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, बाकी जिसको भी क्वेश्चन याद हो इस नंबर पे 7318160002 पे नम क्वेश्चन सेंड करो, टेलीग्राम करो, जैसे लड़के भेज रहे हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू हार्ड अगर जीए सेक्शन को लोगे तो, और मॉडरेट में बाकी इजी टू मॉडरेट बाकी 3 सेक्शन थे। मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग इजी आसान है। मॉडरेट पेपर मान चलो कि मॉडरेट पेपर में है। ठीक है, चलो जैसे सीजीएल का पेपर मान लो, जैसे कभी कभी जिसका जीए अनएक्सपेक्टेड आता है, कुछ वैसे ही कह सकते हो, कुछ वैसा ही पेपर था। ठीक है, चलो चलते हैं। राधे राधे, जय हिंद। बस पेशेंस रखो और ज़्यादा पैनिक नहीं होना, कूल माइंड से एग्जाम देना चीलों के। ठीक है, चलो चलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।